रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल स्थगित हुई है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर की गृह सचिव से मुलाकात हुई है और आपको बता दें केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच सहमति बनी है। सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म हुई। हिट एंड रन केस पर नया नियम अभी लागू नहीं होगा। सरकार से आगे बातचीत जारी रहेगी। देश भर के ड्राइवर्स की हड़ताल पर बैठक हुई। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। जल्द मामले में हल निकालने की उम्मीद है और सरकार से आगे बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल विवादित कानून लागू नहीं है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स की गृह सचिव से मुलाकात हुई तो हड़ताल स्थगित हुई है देश भर में और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी हड़ताल स्थगित हुई है। बसें और ट्रक एक बार फिर से चलेंगी आज से। और हेमंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमंत, हड़ताल खत्म हो गई है, राहत की बात है क्योंकि लोग काफी ज्यादा इससे परेशान हो रहे थे। पेट्रोल पंपों पर हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, सप्लाई प्रभावित हो रही थी। सहमति बन पाई है एसोसिएशन और सरकार के बीच में? देखिए, जिस तरीके से देश भर में बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल चल रही थी, उसका व्यापक असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा था। खासतौर पर राजधानी रायपुर की मैं बात करूं, पिछले दो दिनों से चक्का जाम जैसी स्थिति नेशनल हाईवे और तमाम जो मुख्य सड़क हैं वहां पर बन रही थी। ट्रक और बस ड्राइवर वाहनों को रोककर वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि पुलिस भी कल मौके पर पहुंची थी, खदेड़ा गया था तमाम प्रदर्शनकारियों को, लेकिन जिस तरीके से कानून हिट एंड रन को लेकर आया है उसी का विरोध हो रहा था। ऐसा कहा जा रहा था, ऐसी संभावना थी कि जल्द ही कोई रास्ता निकल जाएगा, क्योंकि कल हमारी बातचीत हुई थी यहाँ के जो ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली में बैठक हो सकती है, बैठक के बाद कुछ रास्ता निकल सकता है। तो वहां पर जो ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन है उसकी बैठक हुई गृह सचिव के साथ, अजय जो भल्ला है उनके साथ, और बातचीत का रास्ता यहां पर निकला हुआ है और आश्वस्त किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा कि अगली बातचीत तक कोई भी कड़ा कानून नहीं लाया जाएगा, यानी कानून को लागू नहीं किया जाएगा। उसके बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है, वापस लिया गया है। अगर बात की जाए तो हमारी बातचीत हुई है कुछ ट्रकों एसोसिएशन के अध्यक्षों से, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि रद्द नहीं किया गया है, हड़ताल को स्थगित किया गया है ताकि आगे चलकर अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो फिर से हम प्रदर्शन कर सकें। तो ये बात की जाए तो हड़ताल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है छत्तीसगढ़ में, जो अब बस और ट्रकों के जो पहिए हैं और फिर से रफ्तार भरने लगे हैं और सुचारू रूप से सभी चीजों का संचालन रायपुर में हो रहा है। बिल्कुल, बने रहेगा हेमंत, खबरों पर अपडेट्स आगे भी लेंगे।